खबर फिरोजपुर के पिंड महालम तो सामने आई जिथे पता लग्या कि परिवारिक मैंबरां दा एक नौजवान पुत जो कि अपने भैण दे नाल ही सी बीते दिन अचानक ही वह किधरे चलिया जाता है अते उस तो बाद उसकी मृतक देह बरामद होंदी है। फिरोजपुर के पिंड महालम दे विच कहा यह गया पहला कि ट्रेन के हेठ आने के कारण ये सब कुछ होया, पर परिवारिक मैंबरां ने कहा कि इस दे पिछे 3 तो 4 जणियां की साजिश हो सकती है। उन्होंने नाम बकायदा पुलिस नूं दे दिते गए ने, जिस संबंधी जानकारी दिंदिया परिवारिक मैंबरां ने कहा कि मृतक नौजवान दया सिंह उर्फ भेजू पुत्र गुरचरण सिंह चंडीगढ़ जाने की तैयारी दे विच सी, पर ट्रेन लंघ जाने के कारण वह वापस आ गया ते पिंड दे अटारी अड्डे ते चला गया। इस दौरान ही एक वीडियो सामने आई जिस दे विच कुछ मुंडे उसनू मोटरसाइकिल ते बिठा के रेलवे स्टेशन दे वल लै गए। इस लई उन्होंने शक है कि ट्रेन हेठा नहीं सगों जान बुझ के उही मुंडियां दे वलों अजिहा कीता गया ते उसनू पट्टी ते सुट दिता गया। उसके शरीर ते सट्टां दे निशान मौजूद ने। उन्हां मंग कीती है कि इस घटना की बारीकी दे नाल जांच पड़ताल की जाए तां जो परिवार नूं इंसाफ मिल सके। दूसरे पासे मौके ते पहुंची पुलिस ने देह नूं कब्जे दे विच लैण तो बाद अगली कार्रवाई शुरू कर दिती है। उन्हां दा कहना सी कि तत्थां दे आधार ते जांच पड़ताल करन तो बाद परिवारिक मैंबरां दे बयान सुने गए ने अते नाल ही बनदी कार्रवाई भी जरूर की जाएगी, पर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है ते उन्हां दे मुताबक परिवारिक मैंबरां दे बयान दर्ज करवा ले गए ने। पर वह मुंडा जो कि बिल्कुल चंगा भला सी अते उसने अपनी चंडीगढ़ जाने की पूरी तैयारी की सी, पर सिर्फ ट्रेन मिस होना इसका कारण बनया अते उसकी मृतक दे अज मापिया दे सामने पई है। जवान मुंडे का इस तरह घरों जाना किन्ना ज़्यादा दुखदाई हुंदा है, पर इधर हुण बजुर्ग मापिया दे कोल होर कोई चारा नहीं अते वह अपने इस पुत दे लई इंसाफ दी मांग कर रहे ने। मेरा लड़का दया सिंह जो चंडीगढ़ जाने की तैयारी वटी हुई सी ते 6 वाली गड्डी ने चढ़ना सी, उस तो उपरंत गड्डी जिहड़ी वो रवाना हो गई चढ़ नहीं सकिया। उस तो उपरंत अटारी कुछ बंदिया दे नाल बैठा रहा। उस तो उपरंत कोई 7 बज के ते 55 मिनट से जो कैमरे दे विच आया उत्थे पिंड दे विच आया ते उस तो उपरंत रेलवे स्टेशन नूं लै गए ने। मुंडे शराब इन्हां पीती सी ते उस तो उपरंत सानूं कोई पता नहीं लगा ये कतल होया। ਮਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਂ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ? ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਸਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਮੋ ਮਿਲੀ ਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੰਕਾ ਪਕਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਗਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।